अच्छाई की बुराई पे जीत. या एक्चुअली सच में माय ऑनेस्टी, आई थिंक मैं सच में अगर जो भी चीज़ कर रही थी, जैसे मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूँगी, माँ वर्ड भी मुझे बोला तो मैंने उस माँ वर्ड का पूरा रिस्पेक्ट रखा कि माफ़ कर देना चाहिए, एक्सपेक्टेशन कुछ रखनी नहीं चाहिए. तो जो भी चीज़ें हुई, मैंने कभी मीन नहीं बनी हूँ, मतलब ही नहीं बनी थी. मैंने हर चीज़ में गिव अप किया तो मुझे गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि देवी बन रही है. लेकिन मैं दिल से चाहती थी, मैं दिल से सोचती थी कि ये चीज़ें हो और छोड़ दो उन चीज़ों को लेके बैठने पे, क्योंकि मैं जिस दौर से बाहर गुजरी हूँ तो वो मेरे लिए एक बहुत फ़ायदा हुआ उन सब चीज़ों का. बाहर अंदर मुझे, घर के अंदर मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई. Okay, Shilpa, I've seen you, you know, tough time also. You have done a PC during Bhabhi ji controversy and all, blah, blah. There was a lot of things. And after that, you came here and everyone told you that this is what Shilpa Shinde is. And when I talk about Hina, do you think that Hina's negative thoughts, you don't win, and you don't have negative thoughts. And Arshin, during the course of interview, she said that पूरे शो के दौरान वो एक्टिंग करती थी. हर्षी ये बहुत सही पकड़ा है कि सच बोली है बात, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो वही उसने सच बोला, क्योंकि शो के अंदर मुझे कोई साथ नहीं दे पाया. लेकिन यहाँ पर अगर उन्हें सच्चाई बोली है तो वी रियली अप्रिशिएट दोज थिंग्स. क्योंकि हिना का था बहुत नेगेटिविटी थी, हर चीज़ में उसको नुक्स निकालना है, हर चीज़ में निकालना है. कोई चीज़ उसको अच्छी कभी दिखती नहीं थी. जैसे जो चला गया उसके बारे में अच्छा बोलती थी वो, जो है उसके बारे में उसने कभी अच्छा नहीं बोला. ओके, सलमान बहुत बायस रहे हैं, ये भी हिना का आरोप था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसके बारे में कभी अच्छा, उसने चीज़ें अच्छी की ही नहीं जो उसके बारे में बोले उसको. हमेशा जो उसने बातें की है उसी के बारे में टोका है. जैसे पुनीश और बंदगी को लेकर बात है, पुनीश और बंदगी को लेकर बात है, या बॉडी शेमिंग की बात है. हर चीज़ उसने की है और उसकी उसके ऊपर डांट मिली है उसको. ओके, इसके बाद विकास के साथ आप शो करने जा रही हैं, और आपको लगता नहीं कि पहले चीज़ें शायद आप थोड़ी नादानी रही कि चीज़ें समझ नहीं पाए, आपके मन मुटा हुआ और आप शो करने जा रहे हैं उसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले नादानी थी या मन मुटाव था. चीज़ें उस तरीके से हुई थी और वो चलती रही. लेकिन हम एक घर में है, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करना चाहिए, शायद वही एक मौका था. और शो करना मतलब एक टास्क था, उसमें प्रॉमिस लिया गया था, तो उस प्रॉमिस को मैं करूँगी. छोटा सा वेब सीरीज उसको करना है तो मैं करूँगी डेफिनेटली. ओके, इसके अलावा आपने ये भी कहीं जिक्र किया कि यू वांट टू होस्ट मराठी बिग बॉस. आई वुड लव टू डू दैट. सलमान खान जी का, उनकी जगह तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मराठी हूँ तो डेफिनेटली करना चाहूँगी. जैसे मेरा, आपने देखा मेरा वही हर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मराठी भी इतनी कोई अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन करना चाहूँगी, करना पसंद करूँगी पक्का.